हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान निमान, वेलकम बैक इन फूड इज अटेंडेंस। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी एंड सिंपल सी रेसिपी है इसकी, और वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस टाइम पे तिल और गुड़ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी अच्छा माना जाता है और ये दोनों चीज़ें गर्म होती हैं, इसलिए हम इन्हें सर्दियों में खाते हैं। और इन लड्डुओं को आप कभी भी झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और एक बार बनाकर आप इन्हें महीनों भर के लिए एंजॉय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, जिससे आप भी इसे बिल्कुल परफेक्ट बना पाएंगे। तो रेसिपी को पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये सफ़ेद तिल लिए हैं। मैं इसमें 1.5 कप तिल का यूज़ कर रही हूँ। वजन में ये तिल 250 ग्राम है। तिल हमारे लिए सर्दियों में काफ़ी अच्छे होते हैं। ये इस तरह के सफ़ेद तिल आपको बहुत ही ईजिली मार्केट में मिल जाते हैं। वैसे आप इन लड्डुओं में सफ़ेद और काले दोनों तिलों का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तिल हमारे लिए हेल्दी होते हैं। तो आपको भी तिल और गुड़ का यूज़ सर्दियों में ज़रूर करना चाहिए। अब इन तिल को यूज़ करने से पहले हमें अच्छे से वॉश करना है, ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी गंद होगा तो वो सारा निकल जाएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसको हाथों के साथ हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 बार आपको इसको अच्छे से वॉश करना है, ताकि इन पे जो भी गंदगी लगी हो वो सारी अच्छे से साफ हो जाए। तो ये लीजिए, मैंने इसको अच्छे से वॉश भी कर लिया है और इनका जो सारा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अब हम इनको एक पैन में चढ़ा लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पर ही इसको ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इनका पानी ना सूख जाए और ये अच्छे से ड्राई होकर चटकने ना लग जाए, तब तक हम इनको भून लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और उसके बाद ये चटकना भी शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक एक तिल बिल्कुल अलग अलग खिल गया है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारे तिल किस तरीके से चटक रहे हैं। बस जब ये इस तरीके से चटकने लग जाए तो इसका मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर हम इनको पैन में ही छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा पक जाएंगे और नीचे से ये जल भी सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इस प्लेट में निकाल दिया है। तो ये तिल तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ एक कढ़ाई में हम ये 1 चम्मच देसी घी ले लेंगे। घी को हमें थोड़ा मेल्ट करना है। घी हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये 1 कप गुड़ ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। वजन में ये गुड़ 200 ग्राम है। वैसे आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको मीठा पसंद है। अब गुड़ की हमें चाशनी तैयार करनी है, तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे, जिससे ये धीरे धीरे से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, गुड़ हमारा बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है। इसको आपको साइड से स्क्रेप भी करते रहना है, ताकि जो साइड में गुड़ लग जाता है वो जले ना। लगभग 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए पकाते रहेंगे। वैसे मैंने आपके साथ सर्दियों की स्पेशल और भी बहुत सारी रेसिपी शेयर की है, वो देखने के लिए आप मेरे चैनल फूड इज अटेंडेंस पर विजिट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे हम इस गुड़ को पकाते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसमें ये झाग बनना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम पे हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी में पानी लिया है, इसमें हम 2-3 बूंद गुड़ की डालेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे उठाकर देखेंगे। अगर ये इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। बस ये इस तरीके से इकट्ठा होना चाहिए। अब जल्दी से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये नीचे से इसमें लगे ना। मिक्स करने के बाद ये 1 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, अच्छे से टेस्ट के लिए। और जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे वो सारे हम इसमें डाल लेंगे। अब जल्दी से तिल और गुड़ को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, वैसे वैसे ये बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सारे तिल पर गुड़ की अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए, तभी हमारा लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर तैयार होगा।
तो ये देखिए गुड़ और तिल को हमने अच्छे से मिला लिया है, इसका मतलब हमारा ये मिक्सचर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसको हम उतना ठंडा कर लेंगे जितने पे हम इजीली हाथ लगा पाएं। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा भी आपको इसको नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा और उसके बाद आप इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। अब लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी लिया है, इसमें हमें हाथों को गीला करना है और उसके बाद हमें लड्डू बनाना है। पानी लगाने से ये मिक्सचर हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं और बहुत ही ईजिली हम इसका लड्डू बना पाएंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये लड्डू बनकर तैयार हो गया है, कहीं से इसमें कोई क्रैक्स भी नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। बस आपको थोड़ा सा पानी का हाथ लगाना है और उसके बाद इस मिक्सचर से आपको लड्डू बना लेना है। ये मिक्सचर हमारा हल्का सा गर्म था इसलिए ये लड्डू बिल्कुल अच्छे से जुड़ गए हैं और बहुत ही ईजिली बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये बाकी के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको भी इन लड्डू को मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो ही चीज़ों से हम इसे बहुत ही ईजिली घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इन्हें बनाने में। ये एक लड्डू मैं आपको एक बार तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना बढ़िया बना है। तो आज की रेसिपी हमारी तैयार है, आप भी इसे ट्राई करें, इंजॉय करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इसे कब ट्राई कर रहे हैं। और फूडीज अटेंडेंस पर ऐसे ही अपनी अटेंडेंस देते रहें। अब मैं मिलती आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।